गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो है पेन। तो सबसे पहले जो है हम पेन को डिफाइन करेंगे कि पेन होती क्या है। तो पेन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन, जिसको हम ASP कहते हैं, उसने पेन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा नाखुशगवार तजर्बा जो हम महसूस करते हैं और जो हम फील करते हैं, वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? पोटेंशियल एक्चुअल या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ, यानी कि हमें या तो वहाँ पे इंजरी हुई होती है या इंजरी होना स्टार्ट, जिसको हम पोटेंशियल टिश्यू डैमेज कहेंगे, यानी कि या वहाँ पे डैमेजिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। तो पेन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बयान की जाती है। पेन की डेफिनेशन के बाद अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पेन प्रोसेस की। पेन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह होता है? अ नोसीसेप्टर इज अ रिसेप्टर ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन नर्व सेल दैट रिस्पॉन्ड्स टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। नोसीसेप्टर्स क्या हैं? ये एक स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स हैं जो पेन के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। नर्व सेल जो सेंसरी न्यूरॉन है, आप लोगों को पता है कि न्यूरॉन्स जो हैं ज़्यादातर दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन पे जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम नोसीसेप्टर कहते हैं, जो पेनफुल स्टिमुलाई को जो है वो रिसीव करते हैं और उसके बाद जो है वो इन सिग्नल्स को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं नोसीसेप्शन। जो किस वजह और जो जिससे जो है एंड ऑफ द दिस प्रोसेस हमें पेन जो है वो फील होता है, पेन की परसेप्शन जो है वो हमें फील होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये नोसीसेप्टर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन में, विस्ट्रा में, मसल्स, जॉइंट्स, मेनिंजीज, ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। और ये स्टिमुलेटेड किस तरह होते हैं? ये तीन तरीके हैं, तीन तरीकों से स्टिमुलेटेड होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल स्टिमुलाई से। मैकेनिकल में क्या आएगा? ट्रॉमा, एडिमा, ब्लॉकेज। थर्मल में क्या आएगा? जैसे कि एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड। और केमिकल में क्या आएगा? टिश्यू इस्कीमिया, जिससे जैसे कि टिश्यूज को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल रही, मसल्स स्पाज़म में है, या इस तरह के बहुत से केमिकल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गैस्ट्रिक अल्सर, जो अपनी मिकदार जिनकी ज़्यादा रिलीज हो जाए तो वो जो है टिश्यू डैमेज का बायस बनते हैं और ये जो है फिर नोसीसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का सबब बनते हैं। स्टूडेंट्स, पेन प्रोसेसेस के दौरान जो है डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला नंबर आता है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ पेनफुल फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिग्नल दैट कैन बी कैरीड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड परसीव्ड एज पेन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि ये एक सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे जो है सेंसरी न्यूरॉन के जो है नौसी रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी केमिकल या फिजिकल स्टिमुलस जो होता है, जब इधर इनको टच करता है नोसीसेप्टर्स को, तो इसके बाद वो जो है ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो है ये इस एग्जॉन को हम पेरिफेरल सेंटर कहते हैं और इस एग्जॉन के इस पार्ट को हम सेंट्रल सेंटर कहते हैं। तो जो है जब कोई स्टिमुलस जो है नोसीसेप्टर्स को टच करता है, तो पेरिफेरल सेंटर से वो सेंट्रल सेंटर की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है उसकी जो है सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, और यहाँ से फिर वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ जाता है जहाँ से हम पेन को प्रिसीव करते हैं। तो जो स्टिमुलस का इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म होने को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जब ट्रांसडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर जो है ट्रांसमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। Once transduction is complete, transmission of pain begins. Painful stimuli produce nerve impulses that travel along afferent nerve fibers.
जो जब ट्रांसडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि एक सेंसरी न्यूरॉन से जब दूसरे सेंसरी न्यूरॉन का जो है मैसेज जो है कम्युनिकेट होता है साइनेप्सिस के जरिए, तो इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो दो टाइप के हैं, एक को ए डेल्टा फाइबर कहते हैं जो माइलिनेटेड होते हैं और फास्ट जो है मैसेज जो है वो पहुंचता है, ये सेंट शार्प लोकलाइज्ड एंड डिस्टिंक्ट सेंसेशन, यानी कि जो तेज पेन होती है और हमें पता चलता है कि वो किस जगह पे हो रही है, वो ए डेल्टा फाइबर के थ्रू होती है। और सी फाइबर जो है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं और स्लो इम्पल्सिस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो है हमें उसका पता नहीं चलता, जो हल्की पेन हो रही होती है हमें उसका पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे हो रही है, लेकिन हमें जो है मुसलसल पेन महसूस होती है, लेकिन वो इतनी होती है कि वो टॉलरेबल होती है। तो वो जो है वो किसकी वजह से वो हमें फील होती है, वो सी फाइबर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी वजह से फील होती है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसडक्शन ट्रांसमिशन के बाद जो है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है प्रसीव करना। जब ये प्रोसेसेस जो हैं ये कंप्लीट होते हैं तो हमें जो है पेन जो है वो फील होती है। जब नॉसीसेप्टर्स पेनफुल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो है आगे न्यूरॉन्स जो हैं वो सिनेप्सिस करते हुए स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन के कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं, और ब्रेन कॉर्टेक्स में पहुंच के जो है हमारी जो परसेप्शन है पेन की वो डेवलप होती है। परसेप्शन ऑफ पेन अकर्स व्हेन द पेन इम्पल्स हैज बीन ट्रांसमिटेड टू द कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन तक जब ये इम्पल्स पहुंचती है तो पर्सन डेवलप्स कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द इंटेंसिटी लोकेशन एंड क्वालिटी ऑफ पेन। कॉर्टेक्स पे पहुंचने के बाद जो है पर्सन को पता चलता है कि उसको दर्द हो रही है, दर्द कितनी हो रही है और किस जगह पे हो रही है, ये सब चीजें जो है पर्सन जो है वो परसीव करता है। स्टूडेंट्स, पेन मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन और मैनेजमेंट और थ्योरी जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।